एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज का देखिए जो प्रश्न है ना, ये आपका क्लास 10th का हिंदी का है, ये आपका 22 सितंबर का प्रश्न है। आप मिला सकते हो आपके प्रश्न से, आपको एक एक प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम आपको सभी ऑब्जेक्टिव का इसमें उत्तर आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको ऊपर में कुछ बता दें, इसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, टोटल 100 नंबर का होता है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, दाहिनी और हाशिए पर अंक नहीं दिया गया होता है, और ये दो भाग में बटा हुआ होता है, खंड ओ और खंड बी, यानी मतलब वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं, हम आपको फास्ट में बता देते हैं, क्योंकि अभी अगर आपका एग्जाम चल रहा हो तो आप आराम से लिख सकते हो। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म किस गाँव में हुआ था? उच्च गाँव सानी। कांदा पानी किसकी रचना है? सुजाता। बहादुर पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत। बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? 12 में। मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? 4, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 6 नंबर में। माँ कहानी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती में। निरादा की साहित्य साधना पुस्तक पर किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है। नागरी लिपि निबंध गुणाकार मूल्य के किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी। उत्तम शब्द का विलोम रूप होता है आपका अधम। नेपाल देश की नेपाली आपका देवनागरी लिपि से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 में, ऑप्शन नंबर सी। वसुधा का पर्यायवाची होता है पृथ्वी, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बड़े मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर ए। तुमने नाश्ता में क्या खाया? तो प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो जीव। सतकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो देखिए सतकोरी होता का जन्म इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कट गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं 17 में। 17 में देखिए आपका जो ऊपर में जो प्रश्न है ना, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतकोरी होता, क्वेश्चन कट गया है। चमक में कौन सा विशेषण होता है? चमकीला। फ्रेडरिक्स मैक्समुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? फ्रैंकफर्ट में, ऑप्शन नंबर बी में। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय में। जनतंत्र कविता में कवि किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करता है? जनता। सुमित्रानंदन पंत की किसका है? तो ग्राम्या। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो सिख धर्म का। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांतिक किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दीन बहादुर। भारत माता कविता के कवि कौन है? तो देखिए भारत माता कविता के कवि है सुमित्रानंदन पंत। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं गाँवों में, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला होता है अस्त्र, ठीक है ना। किंवदंति के अनुसार विराग होने वाले घनानंद कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। आम रसिंदा होता है, इसमें रसिंदा आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण। शेर घने जंगल में रहता है, तो शेर और जंगल क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? कोलकाता में। एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तांडास जारी थी, ये आपका मामे है, ठीक है ना। सॉरी, ये आपका जो है ना ढहते विश्वास में, ऑप्शन नंबर बी। श्रीनिवासन का पूरा नाम क्या था? मारुति वेंकटेश अयंगार। रसखान द्वारा रचित प्रेम यानी श्री राधिका में चोर किसे कहा गया? भगवान श्री कृष्ण को। गुरु नानक का जन्म स्थान है ननकाना साहब, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नानकाना नहीं ननकाना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं मैक्स मुलर द्वारा रचित भारत से क्या सिक्के का रूपांतरण किसने किया था? डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी। मदन के पिताजी का क्या नाम था? तो मदन के पिता का नाम था गिरधर डान। उसके बाद देखिए शोभा रजनी आनी सोफानी आरती इन पाँचों भाई का नाम था कासु। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किससे लिया गया? तो भाषण से। चोर छत से कूद गया, तो इसमें आपका क्या है? देखिए अंडा घोरा है तो अपादान। महापुरुष अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते, राम ने रावण को मारा पूर्णभूत। मान लिया आम तोड़ेगा तो भविष्यत काल। फिर चलते हैं 46 नंबर में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रूपांतरण किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आपका नरेंद्र सिंह यादव, ऑप्शन नंबर ए। जनक शब्द का अर्थ क्या होता है? पिताजी। मंगम्मा क्या बेचती थी? दही। श्रीनिवासन का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो देखिए श्रीनिवासन का जन्म हुआ था 6 जून 1891। 50 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध नाटक भारत सौभाग्य किसकी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। गुरु नानक किसके बिना जीवन में अपना व्यर्थ मानते हैं? राम नाम के बिना। सुजात नगर घनानंद। निष्ठुर का हो जाएगा निःपनिष्ठुर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा लगता है मेरी किसी की जरूरत नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा दहीवानी मंगम्मा। मंगम्मा पर बुरी नज़र रखता था रंगप्पा। परिणाम में कौन सा उपसर्ग है? परी। उत्पन्न संदेह का आपका इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। सामासिक पद माखन चोर में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो ये आपका हो जाएगा संबंध। दीर्घु समास का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा नवरात्र। तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको 60 का 60 बता दिया है। कुछ देर में आपका सब्जेक्टिव का भी उत्तर आ जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।